ये जो तुमने जम्मू कश्मीर का सवाल पूछा ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब ये मेरे पास ऑफर आया था जम्मू कश्मीर के लिए, तब मेरे पास 3 लीग के ऑफर थे. एक लीग का नाम मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैंने तुरंत ही मना कर दिया था. दूसरी दो लीग सीपीएल, और मेरे पास सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, कैरेबियन प्रीमियर लीग का मनी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, मतलब बिना इवन मुझे कुछ किए हुए. ओनली थिंग मेरे को परमिशन लेना था और रिटायर होना था. एक और लीग थी टी10 लीग, उसका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, बस मेरे को सिर्फ रिटायर होकर अनाउंस करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं जाके लीग खेल सकता हूँ. बीसीसीआई में भी बार बार मैं चक्कर लगा रहा था कि मैं पूछने के लिए कि रूल क्या है कैसे है, स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बड़ौदा में बहुत शैतानी चल रही थी. तेरे को मालूम है, जब तुम्हारा खुद का एसोसिएशन रहता है वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो तुमको नीचा करना चाहते हैं. तुम्हारा लेवल होता नहीं है, तुम्हारे लेवल तक वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको ऐसा होता है कि यार इसको परेशान करें. तो ऐसा परेशान करे तो मैं बड़ौदा छोड़ के निकल रहा था वहां से, या तो रिटायर होके बाहर जाके लीग खेलो, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करो. लेकिन यार इससे बेहतर मेरे पास कोई ऑफर नहीं थी कि मैं जम्मू कश्मीर को सर्व कर सकूं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट को, क्योंकि यार वहां पे लोगों को बहुत जरूरत है. यार भाई मैं जब मैं कैंप में गया ना, पहली बार जब मैं कैंप में गया, मैंने पर्सनली इतनी मेहनत की है. मेरे को याद है, मैं 9 बजे से अगर सुबह रहता था, अगर मैं वहां पे लड़कों को सिलेक्ट करता था, 9 से लेके 5 बजे तक मैं खड़ा रहता था, और मेरे पास अगर 10 लोग होते थे वहां के लोकल हेल्प करने के लिए, शाम होते होते थोड़े दिन के बाद ना 2 होते थे 3 होते थे जो असली मेहनत करना चाहते थे, बाकी सब फिल्टर हो जाते थे. तो और भाई मैंने बच्चों को कैनवस के जूते में टर्फ विकेट पे बॉलिंग करते हुए देखा है, और उनके पास ठीक से कपड़े नहीं, और टैलेंटेड लड़के, ऐसे ऐसे टैलेंटेड